मुस्कान अभी बहुत छोटी बच्ची है और मुझे लग रहा है अभी उसके करियर की शुरुआत है, और वो अगर मुझे लगता है ऐसे टाइम पे जब वो अगर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती थी लाइफ में, तो इसलिए अगर वो वहाँ गई है कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है तो उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, शी विल होपफुली। बट अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत ही सिंपल बच्ची है और मुझे लगता नहीं है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर पाएगी जितना मैं जानता हूँ। शी इज़ क्राइंग राइट, आई न्यू दैट इज़ गोइंग टू हैपन जब मुझे पता चला कि वो उसमें पार्ट ले रही है, बट आई थिंक आई डोंट थिंक शी विल लास्ट वेरी लॉन्ग बिकॉज शी इज़ अ वेरी डोसाइल चाइल्ड, या वेरी डोसाइल एंड सेंसिटिव पर्सन। सेट को तो मैं डेफिनेटली मिस नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री, मेरी बॉन्डिंग थी, उन लोगों को डेफिनेटली मिस करता हूँ, बिकॉज एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक इमोशनल कनेक्ट, एक सेंटिमेंट जो है वो बन जाता है। तो आई थिंक डेफिनेटली आई मिस अ फ्यू ऑफ देम वेरी मच। मुझे समझ नहीं आता ये सवाल मुझसे कोई पूछता ही क्यों है कि मैं बिग बॉस जैसे, देखिए मैं बिग बॉस जैसे शो में नहीं जा सकता हूँ, बिग बॉस एक ऐसा शो है, आई डोंट मीन एनी थिंग यू नो रॉन्ग और इंसल्टिंग टूवर्ड्स द शो, बट इट्स नॉट अ शो दैट इज़ मेंट फॉर पीपल लाइक मी, इट इज़ फॉर अ वेरी डिफरेंट लीग ऑफ पीपल। आई हैव जस्ट फिनिश्ड अनदर गेम शो विच इज़ कॉल्ड ट्रेटर्स विच इज़ फॉर अमेजॉन प्राइम, वो मैंने अभी शूटिंग फिनिश की है, तो शायद इसी वजह से लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि मैं गेम शो में सुन के लोगों को लगा शायद मैं उसमें जा रहा हूँ, बट ऐसा कोई भी नहीं है, और कभी महाकाल करे कभी ऐसे ना हो कि मुझे बिग बॉस जैसे शो में जाना पड़े। लोगों को ये पता ही था और बार बार मुझसे ये सवाल पूछते भी थे कि आप रियल लाइफ में इतने स्वीट हैं, आप कैसे ऐसा कैरेक्टर प्ले कर लेते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बजुका, और देखिए आज हमारे साथ कौन है। मैं बहुत खुश हूँ इन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए आपके साथ, और इन्हें कौन नहीं जानता, शायद इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं। सुधांशु सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन दो, इवन दो यू डिडंट से एनीथिंग, थैंक यू। ओह गॉड, थैंक यू सो मच, ऐसे पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरे इंट्रोडक्शन की इतनी तारीफ की, थैंक यू। वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ बताइए इस ड्रेस के बारे में, बहुत बहुत मतलब एकदम हैंडसम हूं। मैंने ऐसा कुछ खास तो किया नहीं, वैसे जो मेरा रेगुलर आउटफिट है, जीन्स और वाइट शर्ट, और मैंने उसके ऊपर एक जैकेट पहन ली है और एक चश्मा पहन लिया। तो ये सवाल बनता है कि फैशन आपके लिए है क्या? जो मेरी पर्सनालिटी को और मेरे कैरेक्टर को सूट करे वही मेरे लिए फैशन है, और आई थिंक जो भी आप पहनते हैं वो आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट फैशन इज मींस फॉर मी। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब लोग आपको अनुपमा में देखते थे और जब अब देखते हैं तो वो एकदम अचंभित हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा आपके फैंस जो हैं, ये बदल कैसे गए आप? जो एकदम अचंभित हो जाते हैं देख के आपको इस दुनिया में और उस दुनिया में। नहीं, आई थिंक मुझे जितने भी लोग हैं, जितने मेरे फैंस रहे हैं या जो हैं, वो आई थिंक ये डिफरेंस जानते ही हैं कि जो मैं ऑन स्क्रीन कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसमें और मेरे रियल जो सेल्फ है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो लोगों को ये पता ही था और बार बार मुझसे ये सवाल पूछते भी थे कि आप रियल लाइफ में इतने स्वीट हैं, आप कैसे ऐसा कैरेक्टर प्ले कर लेते हैं। तो क्या आप उस सेट को अभी भी मिस करते हैं? कहीं ना कहीं परिवार बन जाता है। सेट को तो मैं डेफिनेटली मिस नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री, मेरी बॉन्डिंग थी, उन लोगों को डेफिनेटली मिस करता हूँ, बिकॉज एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक इमोशनल कनेक्ट, एक सेंटिमेंट जो है वो बन जाता है। तो आई थिंक डेफिनेटली आई मिस अ फ्यू ऑफ देम वेरी मच। र्यूमर आ रहा है कि आपकी एंट्री होने वाली है बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड, क्या ये सच है? नहीं, बाप रे, मुझे समझ नहीं आता ये सवाल मुझसे कोई पूछता ही क्यों है कि मैं बिग बॉस जैसे, देखिए मैं बिग बॉस जैसे शो में नहीं जा सकता हूँ, बिग बॉस एक ऐसा शो है, आई डोंट मीन एनी थिंग यू नो रॉन्ग और इंसल्टिंग टूवर्ड्स द शो, बट इट्स नॉट अ शो दैट इज़ मेंट फॉर पीपल लाइक मी, इट इज़ फॉर अ वेरी डिफरेंट लीग ऑफ पीपल। आई हैव जस्ट फिनिश्ड अनदर गेम शो विच इज़ कॉल्ड ट्रेटर्स विच इज़ फॉर अमेजॉन प्राइम, वो मैंने अभी शूटिंग फिनिश की है, तो शायद इसी वजह से लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि मैं गेम शो में सुन के लोगों को लगा शायद मैं उसमें जा रहा हूँ, बट ऐसा कोई भी नहीं है, और कभी महाकाल करे कभी ऐसे ना हो कि मुझे बिग बॉस जैसे शो में जाना पड़े। नहीं, मुस्कान वहाँ पर गई है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि मुस्कान अभी बहुत छोटी बच्ची है और मुझे लग रहा है अभी उसके करियर की शुरुआत है, और वो अगर मुझे लगता है ऐसे टाइम पे जब वो अगर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती थी लाइफ में, तो इसलिए अगर वो वहाँ गई है कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है तो उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, शी विल होपफुली। बट अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत ही सिंपल बच्ची है और मुझे लगता नहीं है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर पाएगी जितना मैं जानता हूँ उसको।
शी इज़ क्राइंग राइट. आई न्यू दैट इज़ गोइंग टू हैपन जब मुझे पता चला कि वो उसमें पार्ट ले रही है. बट आई थिंक आई डोंट थिंक शी विल लास्ट वेरी लॉन्ग बिकॉज शी इज़ अ वेरी डोसाइल चाइल्ड. या वेरी डोसाइल एंड सेंसिटिव पर्सन. आगे क्या कुछ आपका आने वाला है हम ऑडियंस को आप अगर बता पाएं? अभी तो फिलहाल देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन. अभी करण ओब्रॉय मेरे हम लोग बैंड ऑफ बॉयज का कमबैक हुआ है तो हमारा थर्ड वीडियो अभी रिलीज होने वाला है. और अभी बैंड ऑफ बॉयज मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म करने वाला है जिस दिन मिस इंडिया है. तो यस ये तो इमीजिएटली अभी हमारा जो रिलीज हो रहा है वो एक म्यूजिक वीडियो 15th को म्यूजिक वीडियो रिलीज हो रहा है. आपको कैसा लग रहा है सुधांशु सर के साथ काम करके, मतलब कैसा मजा आ रहा है? सुधांशु सुधांशु का हम तब हम अपने एक दूसरे के बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो वो ऐसा रिश्ता है कि जब मतलब जिसको आप डिफाइन हाँ वी आर ब्रदर्स देयर इज नो अदर मतलब बैंड ऑफ बॉयज वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ब्रदर्स. फैंस को क्या कहना चाहेंगे सुधांशु? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज तक मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अभी आने वाला समय जो है वो मेरी तरफ से और भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट आपके लिए आने वाला है, आपकी तरफ आने वाला है. तो प्लीज़ उसे भी मेरे काम को हमेशा इसी तरह से सराहते रहिएगा और खूब सारा प्यार देते रहिएगा. और आज अष्टमी है तो मैं आप सबके लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ दुर्गा आपको और आपके परिवार को बहुत खुशी दे, स्वस्थ रखे और बहुत सारी सफलता प्रदान करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.